ये मेरी बहन है, ये मेरी बीच मेरे से बड़ी है, मैं सबसे छोटी हूँ, ये बीच वाली मेरी बहन है, और ये मेरा बउआ, ये अभी सो रहा है, ये हमारी मामी जो मेहंदी लगा रही है, ये मेरी बड़की दीदी है, आइए कड़वा मामा है जो टीवी देख रहे हैं, ये कड़वा मामा भी सो रहे हैं। अच्छा रही है, नीचे चलते हैं। देखो ये मेरी दोस्त है, देखो ये मेरी दोस्त है, ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी मम्मी दोस्त है, ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी बड़की नानी है, और हम सब घाट पे जा रहे हैं, और ये चलिए घाट पर, ये छठ पूजा हम सब देखने हुए हैं। चलिए आइए, देखिए यही रास्ता है ये छठ घाट का, तो हम सब देख रहे हैं ये छठ घाट कितना मस्त है, और छठ घाट का गाना भी बज रहा है। ये रास्ता हमको घाट पर ले जाएंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए छठ घाट का रास्ता है, और ये घर सब है, और ये आइए हम सब देखते हैं। देखिए यहाँ पे दुकान सब बहुत घर है, और एक छोट घर आता है यहाँ से, हम बताते हैं, रुके चलिए हम सब आगे। कितना ये सजावट अच्छे से जल्दी है, चारों तरफ आप देख सकते हैं सजावट है, तो आगे और चलते छोटा और आगे है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर रंगोली है। देखिए ये छोट का रास्ता है, यही से सिन्नी छोड़ के आते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि ये सब कितना, और ये कितना पतला रास्ता है, नती बहुत पतला रास्ता है, बहुत अच्छा लगता है, यही से अलग लेके थे, बहुत पतला रास्ता हो। अब हम जब एंजल दीदी से पूछते हैं, वो मेरे से बड़ी है, आइए आप भी बोल सकते हैं। हाँ अच्छा लगता है, सब हल्का पतला रास्ता है, हमको अच्छा लगता है, चुरचुरी सब सब जलाने में अच्छा लगता है, और गुनगुन दीदी आप कोई क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। हम छठ में आए हैं, हम सब चुरचुरी मारेंगे, पतला रास्ता है, ओ तो आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ है आप। हाँ बोलना चाहते हैं यही है छठ का रास्ता, आ गया घाट। ओ एंजल दीदी आप और कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हल्का पेड़ पौधा सब है, रास्ता जाने वाला बहुत अच्छी नजारा आने वाला। गुनगुन दीदी आप क्या बोलना चाहते हैं? पतला रास्ता है, गाछी सब है, पतला पतला अति है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आइए चलिए यही अपना छठ में हम सब ले जाते हैं, यही है छठ का रास्ता। अभी देखिए हम ये सब हाई हाई कर रहे हैं, चलिए आइए हम सब छठ का दिखाते हैं, आइए ये आराम से जाएगा, ये गिरने वाला है। देखिए ये बहुत पतला रास्ता, ये में तो कोई भी गिर सकता है। हम देखिए यहाँ पर तैयारी कैसे चल रही है, और हम अपनी दीदी से पूछते हैं, नती दीदी से यहाँ की तैयारी कैसे रख रही है? तैयारी इससे पूछोगे, हमसे पूछोगे? पूरे बिहार में सबसे अच्छा छठ यहीं पर होता है, और सजावट और बहुत अच्छा सजावट आपको छठ बहुत अच्छा से होता है, छुटछुट ओ चलिए और आइए कि यहाँ का छठ बहुत मजेदार है, और यहाँ से अगर देखिए यहाँ पर अपना दीदी कि ये जो इतना बीच है, तो यहाँ पर आइए इधर
देखिए यहाँ का चोट आपको कैसा लग रहा है? ये हमारे यहाँ का चोट कैसा लग रहा है? यहाँ का चोट बोलो, ये हम लोग का घाट है। और आपको? हमको अच्छा लगता है, बहुत नदी पानी सब है और अच्छा लगता है। घाट सब आता है, सब लोग सब छोटी छोटी सब दुकान सब होता है। आपको सब छठ होता है, छोटी छोटी बार रहा है। अपने घाट में आपको दिखाते हैं, आइए। ये आइए, यहाँ का देखिए कबाड़ा कैसा हुआ है। और यहाँ पे डीजे लगा हुआ है, और यहाँ पे दुकान दुकान है, और यहाँ यहाँ पर रंगोली और घाट को दिखाते चलिए। देखिए आइए, हम आप अपना घाट घाट दिखाते हैं। या फिर यहाँ का नजारा आपको कैसा लगा? यहाँ पर धूमधाम से होता है, लाइक में कमेंट दीजिएगा। आज देखिए हमें कैसा नजारा, आपको पता है। मेरे दीदी ने पूछे वाला यहाँ का नजारा कैसा है और कैसा है। ठीक है, आप बोलिए। हाय फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों ने आपको पूरा नजारा यहाँ का दिखाया और कैसी छठ मन रही है इसके बारे में बताया। क्योंकि यहाँ छठ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जो कि नो डाउट पूरे बिहार की सबसे महापर्व के रूप में ये शुमार है ये छठ। आज हम आपको ये बात दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे एक्चुअली पूरे रात में लोग रहते हैं और बहुत धूमधाम से छठ मनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ नेपाल का बॉर्डर होने के कारण नेपाल के लोग भी बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। आप वीडियो में हम आपको एक चीज दिखाएंगे, नदी जो दिखाई दे रहा है आपको, नदी जो दिखाई दे रहा है उस नदी के आगे जस्ट नेपाल है। अब नेपाल के लोग वहां से मनाते हैं और हम लोग इंडिया में इधर से मना रहे हैं। और यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है, अब हम आपको पूरे हर चीज दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में सब इतना ही, और नेक्स्ट